जहां सड़कों के विकास कार्य को लेकर बीजेपी का ये कहना है कि भाई हमने इतने विकास कार्य करवा दी गांव से गांव जोड़ने की बात जहां सरकार बार बार कर रही है, वहां गांव गुगाना के व्यक्ति जो कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव है जहां झज्जर सीमा स्टार्ट हो जाएगी इस गाँव के बाद, इन लोगों का कहना है कि भाई सरकार ने कुल 800 मीटर का जो रोड है हमारे गाँव का वो पिछले साल के नज़दीक का समय हो चुका है, ये पत्थर भी आके अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पे डाले गए हैं। इस गांव के व्यक्तियों से बातचीत करेंगे, क्या सरकार की नाराजगी है इस गांव से या क्यों सरकार इस गांव के साथ ऐसा भेदभाव कर रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या समस्या है कि रोड इतने समय तक नहीं बना के तैयार हो रहा है आपके गांव का? पिछली एक साल से इस 800 मीटर रोड पे ऊपर काम चला हुआ है, एक साल से मोदी सरकार कह रही है हम 1 घंटे में 1 किलोमीटर तैयार करते हैं, एक साल से 800 मीटर रोड नहीं बना है जी, जबकि ये गाँव हमेशा से बीजेपी की वोट डालता है, एक हाथ से बीजेपी की मोहर मारता है, लेकिन इस गांव के साथ पता नहीं क्यों भेदभाव हो रहा है। एक साल से आप देख रहे हो कंडीशन रोड की, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां इस रोड पे आ रही हैं, आप कंडीशन देख रहे हो, कोई ठेकेदार नहीं काम करने वाला, कोई लेबर नहीं इस रोड पे, एक साल हो चुका काम चल चलते, क्या बीजेपी गवर्नमेंट की यही उपलब्धि है? एक साल में 800 मीटर का रोड नहीं बना पाई, आगे कैसे वोट देते बीजेपी गवर्नमेंट को? तो चुनावता जी उम्मीद कर रहे हैं इस गाँव से वोट लेने की? विधायक जी का कसूर है यहाँ पे सर। विधायक का किसका बोलेंगे, प्रतिनिधि को बोलेंगे जिसको हमने वोट दिया है? आपके गांव के व्यक्ति उनके पास गए थे सर, 20 बार जा चुके हैं जी, क्या जवाब है सर विधायक जी का? काम चल रहा है, काम चल रहा है, ऐसा कौन सा क्या एयरपोर्ट बना रहे हैं आप, एक साल में काम कर रहे हैं जी जी, बस अब क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार। अब ये 800 मीटर का रोड है जी, जी। इस पर रोड आगे रख दिया, ना कोई गवाही है, ना कोई रेत मिट्टी की एरिया है ताकि कोई आराम से निकल जाए, तकरीबन शाम के टाइम में दुकानदार यहाँ से निकलते हैं और कुछ ना कोई ना कोई तो यहाँ फिसल के पड़ता ही है, हादसे होते रहते हैं। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस रोड के विषय में? ये रोड सबसे पहले काम शुरू किया था जी, फर्रुखनगर टू हेली मंडी जी लास्ट में काम शुरू हुआ था, वो कंप्लीट हो चुका, ये बनाया नहीं अभी तक जी, क्या वजह है हम पूछना चाहेंगे और क्यों नहीं बना रहे हैं अभी तक? तो क्या सरकार आपके गाँव के प्रति कोई भेदभाव ऐसा कर रही है सर? बिल्कुल साफ है, आपके सरपंच से हेली मंडी से फर्रुखनगर रोड बना दिया गया, ये नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया गया, क्या विषय है, क्या कारण है? सर आपके नजदीक गांव से ही पार्षद यशपाल जी भी हैं, तो उनसे आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई सर? यशपाल जी से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कराएंगे, लेकिन काफी डिले है फिर भी जी। इस पे आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका ये उनसे हमारे माध्यम से आपके माध्यम से जल्दी से जल्दी काम कराएं जी। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, खासकर विधायक जी को? विधायक जी ये कहना चाहेंगे जी, उनसे रिक्वेस्ट है हमारी जल्दी से जल्दी हमारा काम कराया जाए।